सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज हमारे पास है वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। कोई बता सकता है लीनियर सिस्टम क्या होता है? वी आई कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हम पता कर सकते हैं। देखो अगर आज तक तुम्हें लीनियर की डेफिनेशन नहीं पता है कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर नाउ ऑनवर्ड्स है ना, आज के बाद तुम्हें ये पता होना चाहिए क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि लीनियरिटी होती क्या है। तो कोई भी सिस्टम जो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि ये लीनियर सिस्टम है, ठीक है, वो दो तरीके की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, या सिंपली हम कह सकते हैं फॉलोस लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन कि एक ऐसा सिस्टम जो फॉलो करता है सुपरपोजिशन को। लेकिन ये सुपरपोजिशन क्या है, सो इसको हम देखेंगे, व्हाट इज सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन के अंदर दो प्रॉपर्टी आती है। नंबर वन इज एडिटिविटी, एंड नंबर टू इज होमोजेनिटी। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम जो कि लीनियर है वो इन दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होगी एडिटिविटी और दूसरी होगी होमोजेनिटी। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिटिविटी क्या होती है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये एक सिस्टम है सिस्टम में हमने एक इनपुट दिया XT, ठीक है, तो सिस्टम के आउटपुट पे हमें एक आउटपुट मिला YT, कुछ इस तरीके से। ठीक है, XT इनपुट गया सिस्टम में और हमें आउटपुट मिला YT। ठीक है, अगर यही सिस्टम मैं यूज करूं राइट नाउ, सिस्टम सेम है और जो इनपुट है राइट नाउ वो हो गया एक्स टू टी। ठीक है, तो एक्स टू टी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इनपुट चेंज हुआ है तो आउटपुट भी चेंज होगा वाई टू टी। हम कह देते हैं कि जो पहला वाला इनपुट है वो एक्स वन टी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट हमारा वाई वन टी रहेगा, और जो सेकेंड इनपुट है वो एक्स टू टी है और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट वाई टू टी रहेगा। ठीक है, अगर इन दोनों इनपुट्स को मैं बाद में ऐड कर दूँ, सो आफ्टर एडिशन जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वाई वन टी प्लस वाई टू टी। ठीक है, तो अगर मैंने सेम सिस्टम को यूज़ किया है, सिस्टम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, सिस्टम वही है, बस इनपुट चेंज हुआ सिस्टम में। पहला इनपुट गया एक्स वन टी, आउटपुट आया वाई वन टी, दूसरा इनपुट आया एक्स टू टी, आउटपुट आया वाई टू टी, और फिर मैंने आउटपुट को ऐड कर दिया तो मेरे को मिला वाई वन टी प्लस वाई टू टी। अगर ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, वाई वन टी प्लस वाई टू टी प्रोड्यूस करने के लिए मैं दूसरी टेक्निक अपनाता, ठीक है, और वो दूसरी टेक्निक क्या है, मैं कह रहा हूँ वो दूसरी टेक्निक है कि मैंने यहाँ से एक इनपुट लिया पहले और यहाँ से मैंने दूसरा इनपुट लिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका इनपुट x1 है और ये आपका इनपुट x2 है। सो x1 t ये रहा, x2 t ये रहा, आपने क्या किया, इन दोनों को पहले ही जोड़ दिया। ठीक है, राइट नाउ अगर ये पहले ही ऐड हो गए तो एक कॉमन इनपुट मेरे को मिलेगा,
उस कॉमन इनपुट को मैं कह सकता हूँ कि एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी, ठीक है। अब ये इनपुट मैंने क्या डाला, सिस्टम में डाला, क्योंकि सिस्टम मेरा क्या था, सेम सिस्टम मैं यूज़ कर रहा था ऊपर और नीचे, एक्स वन टी के लिए भी एक्स टू टी के लिए भी। तो मैंने क्या किया, अब क्योंकि सिस्टम सेम है तो मैंने इनको पहले ही ऐड कर लिया, ठीक है। राइट नाउ ये सिस्टम में गए और इन्होंने प्रोड्यूस किया कोई आउटपुट y डैश टी, ठीक है। अगर ये y डैश टी किसके बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है y1 टी प्लस y2 टी के बराबर, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, देयरफॉर सिस्टम इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। कहने का मतलब है कि पहले हम क्या कर रहे थे, आउटपुट्स को ऐड कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स को ऐड किया हमने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के लिए। बाद में हमने क्या किया कि इनपुट्स को हमने पहले ही ऐड कर लिया क्योंकि सिस्टम हमारा सेम था और हमने आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो पहले वाले आउटपुट से मैच करना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिस्टम क्या है, एडिटिव है, ठीक है। ये बात समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जो है होमोजेनिटी, ठीक है। होमोजेनिटी क्या है, होमोजेनिटी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि भाई सेम वही चीज़ कि हमारे पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में हमने एक इनपुट दिया एक्स टी, जिसके अकॉर्डिंगली हमें एक आउटपुट मिला वाई टी, ठीक है। इस वाई टी को अगर मैं आप क्या कर दूं, किसी के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, कांस्टेंट के फैक्टर से, यानी कि मैंने इसको क्या कर दिया, स्केल कर दिया, या इसको हम गेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, के मल्टीप्लाइड बाय वाई टी, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। मैं चाहता तो क्या कर सकता था, के वाई टी प्रोड्यूस करने के लिए एक्स टी को भी मल्टीप्लाई कर सकता था के से, तो मैंने वही किया। सेकंड केस में मैं क्या करूँगा, इनपुट को पहले ही के से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो इनपुट मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास के टाइम्स एक्स टी, और ये जो के टाइम्स एक्स टी है, अब मैं इसको क्या करूंगा, सिस्टम में इनपुट करूंगा और मेरे को एक आउटपुट मिलेगा वाई डैश टी, ठीक है। ये जो वाई डैश टी है ये किसके बराबर होना चाहिए, के वाई टी, यानी कि जो पहला वाला आपका आउटपुट है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है तो सिस्टम क्या है, होमोजीनस। तो ये तो कंडीशंस है जो कि सिस्टम फॉलो करता है जब सिस्टम क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और एलोबोरेट करते हैं एक एग्जांपल लेकर। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके इस तरफ हमने एक रेजिस्टर प्लेस किया है और इस तरफ हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स। यहाँ से एक करंट जाता है आई और यहाँ पर एक वोल्टेज मिलती है वी, ठीक है। तो इस केस में जो इनपुट है आपका वो है ये करंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, रेसिस्टर की। सो फॉर रेसिस्टेंस इनपुट है हमारा आई, आउटपुट है हमारा वी वोल्ट्स, ठीक है। रेसिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी या कितनी वोल्टेज आएगी, वो हमारा यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। तो फिलहाल ये सर्किट है और मैं कहता हूँ कि दिस इज अ लीनियर सर्किट, ठीक है। तो लीनियर सर्किट की डेफिनेशन क्या है,
ये अगर मैं लीनियर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको दो चीज़ें फॉलो करनी है, नंबर वन एडिटिविटी, ठीक है, नंबर टू इज होमोजेनिटी। ठीक, तो देखते हैं क्या ये ऐसा कर पाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट्स सी होमोजेनिटी है ना, यहाँ पे इनपुट क्या था आई। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो वोल्टेज है वो किस रिलेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू करंट। वेरी गुड, है ना, वेरी इजी, सबको पता है। जो स्मॉल वी होगा यहाँ पे, ये वाली जो वोल्टेज है, इट इज इक्वल टू वी, और ये किसके बराबर है, आर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आई। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये मेरा आउटपुट है, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, वाई टी और से आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स टी, ये कुछ ऐसी कंडीशन है। ठीक है, इसको बस आप ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इट इज़ ऑफ नो यूज़ राइट नाउ, हम इसी को देखें। तो V इज इक्वल टू आई आर, अब यहाँ पे क्या होगा, इनपुट को मैं क्या करूँगा, होमोजेनिटी में क्या होता था, होमोजेनिटी में क्या होता था, इनपुट को हम K से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो यहाँ पे हमने वही किया, इनपुट को हमने K से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया K I और मल्टीप्लाई हो गया R से। ठीक है, तो ये हो गया K मल्टीप्लाइड बाई आई आर, आई आर की वैल्यू तो है V के बराबर, ये हो गया के वी। कहने का मतलब है कि अगर इनपुट हमारा मल्टीप्लाई हुआ के से, तो आउटपुट भी हमारा मल्टीप्लाई हो गया के वी से। तो ये होगी हमारी होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या कहती है, कि अगर इनपुट हम चेंज कर दें, ठीक है, तो अगर वी वन आ जाए हमारा आर और आई वन, एंड वी टू आ जाए हमारा आर और आई टू, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा वी वन प्लस वी टू, और वो होगा आर आई वन प्लस आर आई वन प्लस आर आई टू। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी ऊपर वाली कंडीशन, जो हमने अलग अलग दोनों को सॉल्व किया। कहने का मतलब है कि वी वन निकाला इनपुट आई वन के साथ, वी टू निकाला आई टू के साथ, दोनों को आउटपुट्स को ऐड किया तो हमारे को मिला आर आई वन प्लस आर आई टू। ठीक है, जो किसके बराबर है, आर आई वन प्लस आई टू के बराबर। ठीक है, कहने का क्या मतलब हो गया, कि अगर इनपुट्स को हम ऐड कर देते हैं तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा, वी वन प्लस वी टू। तो ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। आई होप कि इससे हमें ज़्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं सर्किट में लीनियर सर्किट की, तो उसका मतलब है कि वो दो तरह की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एक होती है होमोजेनिटी और दूसरी है एडिटिविटी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वी विल सी कि सिग्नल्स में हम किस तरीके से लिनियरिटी को डिफाइन करेंगे।